नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाते हैं कुछ अहम खबरें। कोरोना के चलते बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के समस्त शासकीय और अर्ध शासकीय विद्यालयों में 1 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि नियमित तौर पर स्कूल कब खुलेंगे इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बुधवार को संयुक्त सचिव जेएल शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं कि उत्तराखंड के सभी स्कूलों में 1 जुलाई से ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी जाए। इससे पूर्व शासन द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अभी स्कूल खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में अब संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं उसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में ही बड़ी कक्षाओं को खोल दिया जाएगा। विकासखंड मुनस्यारी के मदकोट क्षेत्र में आए दिन सड़क किनारे कई पालतू जानवरों की मरने की खबर और घायल चोटिल होने की सामने आती रहती हैं, जिसको देखते हुए मदकोट क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता विपिन जोशी के नेतृत्व में मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर चोटिल जानवरों का घरेलू ट्रीटमेंट किया और मरे हुए जानवरों को क्षेत्र से कहीं दूर ले जाकर दफनाया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विपिन जोशी ने बताया कि क्षेत्र के लोग दूर दूर गांव से गाड़ियों में पालतू जानवरों को भरकर लाकर यहां छोड़ते हैं, जिससे जानवरों की घास खाते समय कभी चट्टानों से गिरकर मौत हो जाती है तो कभी प्यास बुझाने के लिए वो नदी किनारे पानी पीते समय बह जाते हैं। वहीं विपिन जोशी ने बताया कि प्रशासन पशुपालन विभाग इन गायों के कानों में लगी टैग नंबर से जांच पड़ताल कर इन गाय मालिकों के विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई करने वाला है। अल्मोड़ा जनपद के सल्ड क्षेत्र के ग्राम देवायल निवासी लक्ष्मण सिंह की 24 वर्षीय पत्नी मंजू देवी की चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला के गर्भ में पल रहे मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। मामले में क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान गोपाल सिंह आरोप लगाते हुए बताते हैं कि महिला को उपचार के लिए परिजन पहले गाँव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए थे, जहाँ चिकित्सकों ने पहले तो आने में ही समय लगा दिया और जब चिकित्सक पहुंचे तो उन्होंने महिला को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। उनका आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद परिजन इस महिला को उपचार के लिए रामनगर के स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय लाए। पूर्व प्रधान का आरोप है कि रामनगर में भी चिकित्सक करीब 20 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने महिला को देखते हुए तुरंत उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन यहां भी महिला को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसके बाद परिजन महिला को उपचार के लिए हल्द्वानी ले जा रहे थे, लेकिन इसी बीच महिला ने बेलपड़ाव के समीप दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में तंत्र मंत्र के नाम पर किशोरी को एक तांत्रिक ने अगरबत्तियों से कई दिनों तक जलाया, बेल्ट से जिस्म पर गहरे घाव भी किए। मामले ने तूल तब पकड़ा जब किशोरी की हालत बिगड़ गई। परिवार के लोगों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाकर रामकोट थाने में केस दर्ज कराया। सीओ सिटी का कहना है कि आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ की जा रही है। महोली इलाके के एक गाँव की किशोरी बीते 10 दिन पूर्व मिश्रिक क्षेत्र में अपनी रिश्तेदारी में गई थी। बताते हैं कि अचानक किशोरी के पेट में दर्द हुआ, तबीयत खराब होने पर कुछ लोगों ने भूत प्रेत का चक्कर बताया। रिश्तेदारों को रामकोट इलाके के साहबगंज स्थित एक देवस्थल पर जाने की सलाह भी दी। देवस्थल पर झाड़ फूंक करने वाला तांत्रिक इश्तियाक मिला। किशोरी पर भूत प्रेत का साया बताकर परिवार के लोगों से काफी पैसे लिए और भूत भगाने का दावा करते हुए किशोरी को अगरबत्तियों से चलाया, बेल्ट से पिटाई की। जब किशोरी की हालत बिगड़ गई तो रिश्तेदारों ने किशोरी के पिता को पूरे मामले से अवगत कराया। कुछ दिन पहले विकासखंड मुनस्यारी के झुनामानी ग्राम सभा को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पहाड़ी से गिरे बोल्डरों की चपेट में आने से ध्वस्त हो गया था, जिसमें झुनामानी के ग्रामीणों की आवाजाही करने में खासा दिक्कतें आ रही थी। वहीं कुछ दिन पूर्व ट्रांसफार्मर खराब होने से झुनामानी गांव के ग्रामीण अंधेरे में ही रात बिता रहे थे। मौसम खराब होने और संपर्क मार्ग ध्वस्त होने से विद्युत विभाग को झुनामानी में ट्रांसफर पहुंचाने में समस्याएं आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अब कुछ हद तक मौसम ठीक है, जिसकी वजह से ग्रामीण खुद ही संपर्क मार्ग खोलने में जुट गए हैं। स्थानीय ग्रामीण नीरज भंडारी ने बताया कि संपर्क मार्ग सही नहीं होने से विद्युत विभाग द्वारा रोड हेड तक ट्रांसफार्मर पहुँचा दिया गया है और विभाग द्वारा पड़ोस के गाँव से झुनामानी गाँव के लिए बिजली जोड़ दी गयी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। अब कहीं और क्यों है जाना, माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज में है आपकी आवश्यकता का हर सामान। बैटरी, आरओ, कूलर, चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी दुकान पर होलसेल दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही हाउस वायरिंग और सर्विस की जाती है। मॉड्यूलर किचन हम बना कर देंगे। संपर्क करें माँ लक्ष्मी इंटरप्राइजेज नियर सेंट्रल हॉस्पिटल, गैस गोदाम रोड, कुसुम खेड़ा, हल्द्वानी।